चुनाव चुनाव और चुनाव, क्या होगा आखिर इन चुनावों में? मोदी फिर प्रधानमंत्री के तख्त पर बैठेंगे या सत्ता गवा बैठेंगे? लेकिन जो भी होगा वो तय होगा उनके सांसदों के कामकाज से। 2014 और फिर 2019 में सत्ता वापसी के बाद अब समय है 10 साल के हिसाब किताब का। नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुशवाहा और ये है हमारा खास शो सांसद का हिसाब किताब। तो आज बात होगी सलीमपुर से भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा की। मैं रविंद्र, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। देखा जाए तो रविंद्र कुशवाहा को राजनीति के गुण विरासत में मिले। उनके पिता हरिकेवल प्रसाद 4 बार अलग अलग पार्टियों से सांसद रहे। वहीं रविंद्र का पहला चुनाव 1996 का था, जो सलीमपुर विधानसभा के लिए उन्होंने लड़ा, लेकिन वे हार गए। बस फिर क्या था, पिता के साथ राजनीति में आगे आगे बढ़ते चले गए। लेकिन रविंद्र कुशवाहा को पहली चुनावी जीत 2014 में मिली, जब वे भाजपा से सांसद चुने गए। लेकिन इस जीत के पहले ही 2013 में उनके पिता का देहांत हो गया था। 5 साल सांसद रहने के बाद फिर रविंद्र कुशवाहा को 2019 में भाजपा ने उनके काम पर भरोसा जताया और टिकट दिया, जिसके बाद वे 2019 से अब तक सलीमपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। सांसद के तौर पर देखें तो PSR इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक सांसद रविंद्र कुशवाहा की उपस्थिति संसद में 86% रही है, जिसमें उन्होंने अब तक 48 बहसों में हिस्सा लिया। इन बहसों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाने के साथ सलीमपुर लोकसभा के कई स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव, पानी की टंकियों के संचालन के लिए टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति, सलीमपुर में रेलवे ओवरब्रिज के साथ डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने के मुद्दे शामिल रहे हैं। वहीं अगर सदन में सांसद रविंद्र कुशवाहा द्वारा पूछे गए प्रश्नों की बात करें तो इसमें नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब, सुगर फैक्ट्री के लिए टास्क फोर्स, वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम और पिछड़े वर्ग के छात्रों के विकास संबंधी सवाल शामिल रहे हैं। अब बहसों और सवालों के बाद अगर रविंद्र कुशवाहा की सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक के दिए आंकड़े के मुताबिक रविंद्र कुशवाहा की कुल सांसद निधि 17 करोड़ बताई गई है। इसमें से 7 करोड़ अब तक रिलीज कर दिए गए हैं और 10 करोड़ सरकार से रिलीज होने बाकी हैं। वहीं रविंद्र कुशवाहा को अब तक मिली 7 करोड़ की धनराशि में 2,26,00,000 रुपए अभी भी खर्च होने बाकी हैं। ये तो हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन सलीमपुर के भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा के हिसाब किताब को लेकर हमारे सहयोगी राम प्रताप सिंह ने जब उनसे बात की तो सुनिए रविंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ बताया। हमारे लोकसभा में और शायद ये पहला केंद्रीय विद्यालय रहा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में बना, और चेरो में वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बन करके तैयार हुआ। पहले वो विद्यालय जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में चलता था। हमारे लखनऊ से गोरखपुर होते हुए छपरा रेलखंड पर भी दोहरीकरण विद्युतीकरण का काम शुरू हो गया था, लेकिन बीच का एक पॉकेट हम लोगों का था जो औड़िहार से लेके भटनी तक, जिसका उल्लेख नहीं था बजट में। इसके लिए उस समय के हमारे तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी से हमने अनुरोध किया। आज वो काम पूरा होने की स्थिति में है। औड़िहार से सलीमपुर तक ये रेल का दोहरीकरण और विद्युतीकरण हुआ और हमारे बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन को अभी अमृत रेलवे स्टेशन, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत चयनित करके वहाँ पर 16 करोड़ की लागत से विकास के कार्य हो रहे हैं। इसी तरह से सलीमपुर रेलवे स्टेशन पर भी 8 करोड़ की लागत से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे सलीमपुर के लिए मेडिकल कॉलेज को केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया। चूँकि हमारे यहाँ थोड़ी जगह की कमी थी, इसलिए वो मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पर बना है। भाटपा रानी विधानसभा है जहाँ पर आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज बना है और वो चालू है और उस पर बहुत बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। 500 करोड़ से अधिक की लागत की सड़कें हमारे लोकसभा के अंदर बनी हैं। सलीमपुर ये 14 किलोमीटर का बाईपास बनने जा रहा है, शिलान्यास हो गया है। इसी तरह से सलीमपुर से मैरवा बिहार को जोड़ने वाली सड़क भी मंजूर हो गई, शिलान्यास हो गया। तमुकई राज से भेंगारी होते हुए मझौली राज तक सलीमपुर तक की सड़क की मंजूरी मिल गई। सलीमपुर से नवलपुर होते हुए उभाव सिकंदरपुर की सड़क का भी शिलान्यास हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है और 80% जमीन अधिग्रहण के
तत्काल बाद ये काम सारे शुरू हो जाएंगे। तो सलेमपुर से दो बार के सांसद रविंद्र कुशवाहा अपने लोकसभा क्षेत्र में विश्वविद्यालय से लेकर सड़कों के विकास की बात करते हैं, लेकिन यूपी तक के दर्शक होने के नाते आपका इनके कामों पर क्या कुछ कहना है वो हमें जरूर बताइए। और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के अगर आप वोटर हैं तो वहां कैसा काम हुआ है वो भी बता सकते हैं। बाकी ये खास जानकारी भेजी थी सलेमपुर से हमारे सहयोगी राम प्रताप सिंह ने। कैसा लगा आपको हमारा शो सांसद का हिसाब किताब हमें जरूर बताएं। तब तक फिर मुलाकात होगी एक और सांसद और उनके हिसाब किताब के साथ। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।